बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अंजू नवीद है। मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी निश्चल मेडिकल यूनिवर्सिटी हूँ। मैं आज कुछ बातें आवाम की आगाही के लिए कहना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग इस पर अमल करेंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और इस मुल्क को भी और आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये कोरोना जो बीमारी है, इससे डरना नहीं इससे बचना है, ये स्लोगन पहले दिन से चल रहा है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमर है जिसको आपने अपनाना है। और अगर आप एहतियात अमल करते हैं तो बहुत बड़ी एहतियाती तदाबीर नहीं है, बहुत आम सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी करनी चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे और हम गाफिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी एक से दूसरे को लगने का डर होता है। और इस तरह ही आपको पता है, एक इलाके से दूसरे इलाके में और दूसरे इलाके से एक शहर में और एक शहर से दूसरे शहर में और मुल्कों से अब एक एक मुल्क से लेके दुनिया में ये फैल रही है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज भी हम थोड़ा सा गौर फिक्र कर लें, अपने हिफाजती तदाबीर पे अमल कर लें, जो गवर्नमेंट बार बार बता रही है, जो हम एज ए डॉक्टर या एज ए जो है इसके एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी इस पर अमल करें, क्योंकि इसकी अभी तक बहुत अच्छी दवाइयाँ हमारे पास नहीं हैं जो कि इस वायरस को फौरन मार दें, और दूसरा इसकी वैक्सीन भी नहीं है जो कि अब हमें बचा दें। तो इसमें सबसे बड़ा बचाव का जो तरीका है वो है हिफाजती तदाबीर, और उस तदाबीर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक से दूसरे के दरमियान फासला रखें, क्योंकि बीमारी ये छींकने से, खांसने से, ज़्यादा तेज़ ज़ोर से बात करने से ये एक से दूसरे बंदे को मुतासर कर सकती है, थ्रू ड्रॉपलेट कहते हैं उसको, और वो सांस के ज़रिए, नाक के ज़रिए आपके फेफड़ों में जा सकता है। ये 80 से 85% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी होती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको किसी किस्म की कोई अलामत नहीं आती और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन उनको भी एहतियात करनी पड़ती है, 2 हफ्ते के लिए सेपरेट होना पड़ता है अपनी फैमिली के लोगों से, अपने घर बाकी दोस्तों अहबाब से, अपने काम से, और अपने कमरे में रहना है, अपनी हाथ कैसे धोने हैं 20 सेकेंड में, साथ तो उसके स्टेप्स है उसको अपनाना है, साबुन का इस्तेमाल करना है, छींक आए तो अपना बाजू फोल्ड करके मुँह उसमें रख के आपने छींकना है, ये खांसी है तो उस तरह, और इसके अलावा जो आपकी सरफेस की चीज़ें हैं, बार बार अपने मुंह को और नाक को हाथ ना लगाएं, और अपने जो टेबल है या अपना कंप्यूटर है या कोई ऐसी चीज़ें इनको अगर लगाते हैं तो इसको अल्कोहल बेस्ड किसी भी सॉल्यूशन के साथ इसको साफ कर लें, अपना कमरा और अपना वॉशरूम रेगुलर साफ करवाएं, और इसके अलावा इसमें जो डिटर्जेंट या ये जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्लोरीन है, एंड ये जो हम ब्लीच है जिसको एक ख़ास मकदार में मिक्स किया जाता है पानी में, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फिर विरीसीडल के तौर पे काम कर सकती हैं। लिहाजा मेरी वामन्ना से गुजारिश है, अब जिस तरह इसके केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें ये बात जरूर याद रखिएगा कि हमारे मिथ थी कि ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी आएगी तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, ऐसी मिथ बिल्कुल अपने जहन में ना डालें। इसका वायरस इस टेम्परेचर से कोई तलक नहीं है। लिहाजा अपनी हिफाजती तदाबीर को सामने रखें, बार बार डिस्टेंसिंग को ज़्यादा पे जोर दें, और कोशिश करें घर में भी अगर बच्चे हैं तो आप अपने फासले पे रख के अपने एक दूसरे से ज़्यादा मेल जोल ना रखें, और ज़रूरत के वक्त एक दूसरे से मिलें, और ज़रूरत के वक्त घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर से बाहर ना निकलें। मेरी दुआ है अवाम उन्नास के लिए कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।